हे गाइस, आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग चीप एंड बेस्ट। तो दोस्तों, आप सभी के काम की हमेशा वीडियोस लेकर आता हूं, ऐसी वीडियोस लेकर आता हूं जिनसे भाई आपको हमेशा ही फायदा होता है। और आज की वीडियो फिर से एक बार रहने वाली है मोबाइल पर, यूज मोबाइल की वीडियो रहने वाली है, जो कि फ्लिपकार्ट का स्टॉक जो भी भाई खरीद कर आगे 1500 रुपए के बेनिफिट पे अपने सिंगल पीस वाले कस्टमर्स को दे देते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है भाई, रिटेलर भाइयों के लिए। तो मैं आया हूँ एक जेन्युइन होलसेलर बोलूंगा, जेन्युइन डीलर बोलूंगा, एक्सप्लोरिंग डिवाइस जो कि करोलबाग में है, नया काम है, इसलिए बहुत ईमानदारी से बिल्कुल ओरिजिनल रेट कार्ड पे काम कर रहे हैं। डिस्काउंट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जैसा आप चाहें उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आपको जिस कैटेगरी के स्टॉक लेना, सपोज आपको छोटी वीआरपी चलते हैं, आप चेक करना चाहते हैं भाई इनके पास स्टॉक कैसे, तो छोटी वीआरपी 13 पीस की वीआरपी, 15 पीस की वीआरपी वो भी ले सकते हैं। P4 चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सिर्फ P4 में माल बढ़िया बढ़िया निकल जाए, तो P4 में माल बढ़िया कैसे निकलेगा वो मैं दिखाऊंगा आज। अभी मैं चेक कर चुका हूं तो पूरी डिटेल दूंगा P4 में। तो दोस्तों, P4 में जो लोग चाहते हैं कि P4 में सस्ता और जेन्युइन स्टॉक मिले, तो अभी पूरी वीडियो आगे देख लेना। पूरी वीडियो में मैं आपको कम से कम, मैंने 15 पीस यहाँ पे पेटी खुलवाई, 15 पीस चेक करे हैं। और रेट अगर मैं बताऊं, MI Redmi 7A P4 में 2100 रुपए का, Realme C11 2300 रुपए का, Vivo U10 2500 रुपए का, Vivo Y51A 3200 रुपए का, Samsung Galaxy M12 3050 रुपए का, Honor 7C 1900 रुपए का, Vivo V11 3400 रुपए का मिलेगा, Samsung Galaxy M12 मिलेगा 3050 रुपए का, Micromax 1B मिलेगा 2550 रुपए का, Apple iPhone 6S मिलेगा आपको 3450 रुपए का, Apple iPhone 12 मिलेगा आपको 23050 रुपए का, Samsung Galaxy A30s आपको मिलेगा 3100 रुपए का, Motorola G32 मिलेगा आपको 5250 रुपए का। इन्हीं सारे फोन की जो आपको पढ़ के सुनाई, ऐसा नहीं कुछ भी फेक है, इन सारे फोन की वीडियो आगे डली हुई है, कैसे फोन निकले, कैसे फोन मैंने ओपन करके दिखाई, क्या डिस्प्ले निकले, ऑल ओके कंडीशन में P4 का स्टॉक ऐसा निकल रहा है इनके पास, मैं तो खुद हैरान हो गया। तो पूरी वीडियो देख लेना जिनको P4 वाला स्टॉक लेना है। और भाई गाइस, ऐसा अगर P4 वाला जेन्युइन स्टॉक लेना है और आपको जेन्युइन लिस्ट से काम करना है, तो एक बार नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। उससे पहले क्या करना है, आपको पूरी वीडियो देखने, जो आपको समझ आएगी कैसे कैसे डील हो सके। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, तो मिलते हैं वन ऑफ द ऑनर मिस्टर साहिल से। तो गाइस, एक बार फिर से आ गया हूं एक्सप्लोरिंग डिवाइस, जहां पर भाई मिलते हैं आपको यूज्ड मोबाइल, जो भी भाई होलसेल में या रिटेल में डील करते हैं, अपनी रिटेल शॉप पे डील करते हैं, वो सब ऐसी जगहों से काफी सारा स्टॉक लेते हैं और 1500-2000 बेनिफिट उठा के ये मोबाइल आगे बेच देते हैं सिंगल पीस में अपने कस्टमर्स को। तो भाई साहिल भाई हमारे जुड़ गए एक्सप्लोरिंग डिवाइस से, क्या हाल चाल है साहिल भाई? बढ़िया सर, बढ़िया। और सुनो, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो साहिल भाई, लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, काफी अच्छा लगा आपसे व्यवहार भी, मुझे काफी बढ़िया लगा कि जेन्युइन काम कर रहे हो। तो आज क्या स्पेशल डील्स लेकर आए हो, क्या स्पेशल डिस्काउंट्स लेकर आए हो, और किस तरीके से डील करते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी की फैसिलिटी है या नहीं है, कितने पीस मिनिमम एक बंदा आकर ले सकता है, अगर किसी को स्टार्टिंग करनी है तो आपसे कैसे डील कर सकते हैं? दोस्तों, हम मिनिमम 5 पीस भी दे देंगे आपको जी, कम से कम हमारे पास 5 पीस आपको मिल जाएंगे। अगर आप कुरियर लगवाते हो तो मिनिमम आपको 10 पीस लेने पड़ेंगे कुरियर में, मिनिमम 10 पीस लेके कुरियर वालों को, कुरियर के लिए। ठीक है। अच्छा साहिल भाई, मैं देख रहा हूँ छोटी पेटियां भी यहाँ पर रखी हुई, इनका क्या पर्पस है, ये किस वजह से है? ये तो ये उनके लिए है, जैसे कोई किसी का बजट नहीं है, या फिर कोई बंदा पहले QC में काम करता था और उसे B2B में काम करना है जी, तो वो छोटी पेटियों को लेके देख सकता है कि माल कैसा निकलता है B2B में। अच्छा, तो ये आगे से ही पैका ये पेटियां? हाँ, ऐसी सील्ड पेटियां, इसका आप देख भी सकते हो चारों तरफ से। ठीक है, मतलब छोटी VRP समझ के चले हम इसे। हाँ, छोटी VRP समझ लो। तो गाइस देख सकते हो 13 पीस की 15 पीस की VRPs भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन चीजों को अगर स्टार्टिंग कर रही है, देखना चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोरिंग डिवाइस पे कैसा स्टॉक मिलता है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज साहिल भाई, डिस्काउंट की बात करें या फिर बात करें हम कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे ही स्टॉक बेच रहे हैं आज के टाइम पे, आप नए प्लेयर हो मार्केट में, मैंने देखा हूं कि कुछ टाइम हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम, तो किस वजह से आपसे स्टॉक लेना चाहिए कस्टमर को, कि ऐसे क्या तो रीजन है? हमारी तो जेन्युइन ग्रेडिंग है, जैसा पीछे से ग्रेडिंग आ रही है ना, हमारी कोई ग्रेडिंग में छेड़छाड़ नहीं है। अभी हम वीडियो में आपको पेटी फाड़ के दिखाएंगे, आप स्टॉक देख के ही आपको पता लग जाएगा कैसा है जी। तो मतलब जेन्युइन रहेगा, जेन्युइन बिल्कुल एक नंबर से काम है सर हमारा। ठीक है, तो भाई जैसा साहिल भाई ने बताया कि जेन्युइन ग्रेडिंग है, मतलब क्योंकि नए हैं मार्केट में, चाहते हैं नाम बनाना मार्केट में, ना कि नाम खराब करना, तो इसलिए भाई जेन्युइन काम कर रहे हैं। और अगर आप हमारे पास एक बार ही आओगे ना, तो आप दोबारा आओगे, क्योंकि हमारा स्टॉक ही ऐसा निकलता है, क्योंकि हमारा कोई छेड़छाड़ वाला स्टॉक तो होता नहीं
जिसकी वजह से हमारे पास जो कस्टमर एक बार ही आ गया ना, वो समझ लो वो हमारा ही हो गया, अब वो किसी और पे जाने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट में चली बहुत वैसे रहा है बंदे छेड़छाड़, मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं बेसिकली, है ऊपर एक नंबर से। तो सैलवे मैं चाहूंगा कि एक बार हम कुछ पेटी खोल के देख लें कि किस तरीके का स्टॉक है, थोड़ा सा अपने लोगों को स्कैन करके दिखा देंगे कौन कौन सा स्टॉक निकल रहा है आजकल हाँ। पेटी में तो जैसे मैं ये देख रहा हूँ इस पेटी में कितने पीस है, 50 का ये है, 40 का ये बॉक्स है, ठीक है। तो गाइस आपको जैसे सभी को पता होगा कि इस तरीके से बॉक्स पे पूरा डिटेल दी हुई होती है, ये मोबाइल इसमें अवेलेबल है, होते हैं ये यहाँ पे सबकी क्वांटिटी के कौन सा पीस कितने है, आईफोन जो भी मॉडल हो यहाँ पे लिखे होते हैं कि कौन से कितने हैं, ठीक है। तो चलो यही पेटी खोल के देख लेते हैं, सील विल देख लेते हैं एक बार पेटी की सील, और इसके पे कंपनी की स्टैंप भी लगी हुई आती है पीछे से आप देख सकते हैं। तो भाई सील तो ओके है, सील कहीं से कटी हुई, तो मैं आपको बॉक्स भी दिखाऊंगा चारों तरफ से कि बॉक्स है जेन्युइन एकदम जी, और देखते हैं गाइस कि कैसा स्टॉक निकलता है, एक बार सील देख लेते हैं हम आगे, और आप पीछे से भी देख सकते हो जी, एक बार यहाँ से देख लेता है। तो भाई यहाँ पर कहीं से सील कटी हुई नहीं है, ठीक है, पूरी हर तरफ से देख लो एक बार जी, ठीक है। अब साहिल भाई जल्दी से इस पेटी को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा स्टॉक निकलता है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बार बार चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक या दो ही वीडियो बनी है अभी तक यहाँ की, और बताना जरूरी है कि भाई किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कुछ भाई चाहते हैं कि भाई स्टॉक लेना है, कुछ नए डीलर्स देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर भी आकर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो में देखें उसके बाद नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और कांटेक्ट करके अगर आपको लगता है समझ आता है लिस्ट मंगवा सकते हैं। लिस्ट जब आपको मिल जाएगी और आपको लगता है पड़ता खाने वाला स्टॉक है, P4 अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल, सारी कैटेगरीज में आप स्टॉक ले सकते हैं। ये फोन निकले हैं अभी इस पेटी के, और अभी यहाँ अगर आपको हमारे पास सिर्फ P4 चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मतलब आप जैसे भी चाहिए ना हमारे पास हर तरीके से डील होती है। आप एक बार ऑफिस आके मुझे बताओ कि मुझे ऐसे माल चाहिए, आप मतलब जैसे भी बोल दोगे ना हर तरीके से, QC बोल दो, B2B, अगर आपको फिजिकल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मतलब जिस कंडीशन जिस कैटेगरी के आप स्टॉक लेना चाहते हैं उस कंडीशन उस कैटेगरी का मिल जाएगा सबका गाइस। और आप सभी को पता है कि भाई रेट होता है क्वांटिटी पे, ठीक है, जितना अच्छी क्वांटिटी लेंगे उतना अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वैसे अगर पूछूं कि 20-25 पीस अगर किसी को लेने हैं तो क्या, जो देखो वो तो जीरो पे और माइनस पे बिलिंग चल रही है, माइनस आपकी क्वांटिटी के बेस पे रहता है, आपकी जितनी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी होगी उतना माइनस हो जाएगा, वरना तो जीरो तो आपको मिलना है ही है, जीरो तो मिलना है ही है। तो गाइस मतलब कोई वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डिस्काउंट, मतलब जो लिस्ट है पीछे से वही लिस्ट पे वही मिलेगा जी आपको, मतलब अभी जो स्कैन कर रहे हैं वो ओरिजिनल आपकी लिस्ट है, हाँ ठीक है, उसी लिस्ट पे आप खुद देखिए ना स्टॉक देखिए कैसा है। तो गाइस कंडीशन देखो, पहला फोन निकला है हमारा ये, एक बार स्कैन करो आप जल्दी जल्दी जी, ये देखिए P4 में 2100 का 7A, और आप कंडीशन तो देख ही रहे हो, ये है Redmi 7A P4 में 2100 रुपीस का। फोन ऑन करके देख लेता हूँ, ये लो जी फोन ऑन भी हो गया और ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ 2100 में ये मिल रहा है आपको। ये देखिए Realme C11, Realme C11 ये है अभी, ये भी P4 में है, P4 में देखिए आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं गाइस, कंडीशन तो बहुत अच्छी निकली है, P4 में ये निकला है अपना गाइस, ये नंबर भी मैच कर सकते हैं आप, YT_H पूरा डिटेल है, ये इसके मॉडल, ये इनका IMI, ये इनकी ग्रेडिंग जो भी है आपके सामने, और ये रहे इनके प्राइस 2300 रुपीस का ये निकला है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं आगे और कुछ, ये जितने भी स्टॉक है गाइस ऊपर से ऐसे के ऐसे उठा रहे, ग्रेडिंग भी दिखाएंगे और कंडीशन माल भी दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं। ये स्टॉक ऐसा है, इसमें ये ग्लास ब्रोकन है, हाँ ग्लास ब्रोकन है, जो भी है जैन में ना आपके सामने रहेगा, इसको मैं स्कैन करके भी दिखा दूंगा किस ग्रेडिंग में है। डिस्प्ले ओके है, ग्लास ऊपर से ब्रोकन है, है भैया हाँ ऐसा ही है ना, ये देखना हाँ डिस्प्ले एकदम ओके है, डिस्प्ले वो जी डिस्प्ले ग्लास उसी का काम है बस, ग्लास ब्रोकन है। वीवो का 2500 का वीवो V10 है, U10 वीवो U10 वीवो U10 ये देख सकते हैं गाइस, ये है सिर्फ 2500 का, ग्लास 200-300 का चेंज कराएंगे तो ये मतलब 4000 ₹50 का काम है अगर आपकी खुद की ओसी क्या जी। आपको सारे मॉडल दिखाएंगे कंडीशन के साथ जी। इसकी बात कर लेते हैं, ये कवर लगा हुआ है, कवर हटा हुआ है क्या पीछे क्या? वो है पिनी वो चढ़ा रखे, अच्छा, लैमिनेट करा रखा है इसको, अगर लैमिनेशन हटा दे हम ऐसे तो बहुत टाइम लग जाए, अच्छा ठीक है कोई नहीं वैसे देख लेते हैं। ये भी P4 में 3200 का, P4 में 3200 एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ मैं, अच्छा ये इसके ये भी
ग्लास ब्रोकन है कि डिस्प्ले ब्रोकन है, देख लेते हैं गाइस जो है जेन्युइन है, मतलब कोई ऐसा है नहीं कि वो छुपाना है आपसे या कुछ है। ये लो जी डिस्प्ले ओके है, ग्लास ब्रोकन है ऊपर से, ग्लास उसी का तो ठीक है जाता है P4 और ये में। आया है सिर्फ, ये भी 3200 रुपए का था। ये एक और M12 P4 में, ये भी M12 ये एकदम ओके कंडीशन में, 3050 रुपए का, 3050 रुपए का M12 P4 में, 3050 रुपए, मतलब जो है बिल्कुल जेन्युइन आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ग्लास ब्रोकन है तो हमने छुपा लिया। जैसा भी निकल रहा है आपको सारे स्टॉक दिखाया जा रहा है। ये वाला ओपन करना भैया, ये वाला कौन सा फोन है, पहले कंडीशन जी ये देख सकते हो, ऑनर का है, ऑनर C7, ऑनर 7C, 7C हाँ जी, 1900 रुपए का होनर 7C, ऑनर 7C 1900 रुपए का। और अभी तक जितने भी फोन मैंने निकाले हैं सब ऑन हुए हैं और ओके निकले हैं। इसको भी ऑन करके देख लेते हैं एक बार, इसकी बैटरी डाउन है शायद, हो सकता है बैटरी डाउन जी। इस अब ये बॉक्स वाले निकाल लेता हूँ भैया, ये देखना है ये कौन था, वीवो V11 प्रो, ये देख लेते हैं, ये भी P4 में 3400 रुपए का, P4 में Vivo का V11 Pro, ये Vivo का V11 Pro है, इसकी कंडीशन देख लेते हैं। इसके साथ तो सारा वो है चार्जर, क्या बात है, इस कंडीशन में निकला है और ये भी P4 में है। हाँ, P4 में 3400 रुपीस का ये निकला है, V11 Pro Vivo का 3400 ओनली, और OG डिस्प्ले है। ये लो जी ओरिजिनल डिस्प्ले में, डिस्प्ले भी एकदम ओके है, ऑन भी हो गया है। तो इस तरीके की चीजें अभी तक जितने भी फोन निकाले हैं सारे P4 वाले ही निकले हैं, क्या बात है इसमें। और गाइस P4 की क्वांटिटी बहुत है इनके पास, तो P4 हर कोई चाह रहा है कि ओके निकल जाए, और अभी तक ओके ही निकले हैं। P4 में कोई फोन डेड नहीं निकला, कोई किसी की डिस्प्ले खराब नहीं निकले, ग्लास ब्रोकन एक दो का निकला है, लेकिन ये भी P4 में M12 बॉक्स के साथ, सैमसंग का गैलेक्सी M12 बॉक्स के साथ है ये, इसको दिखाएंगे, इसको देख लेते हैं इसका रेट कितना आ रहा है। तो गाइस जो है रियलिटी है, और हर भाई चाहता है कि भाई P4 में ओके कंडीशन के स्टॉक निकल जाए, और P4 में भाई ये बॉक्स वाला फोन निकला है बहुत ही बढ़िया कंडीशन, सैमसंग गैलेक्सी M12। और इसका हम बात करें, ये निकला है 3050 रुपए का, ठीक है 3050 का ये है, ऑन जैसा आएगा आपको वैसा मिलेगा। अगर चार्जर भी आएगा तो चार्जर भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपने ये वाला फोन देखा था Vivo V11 Pro, इसके साथ चार्जर और जैसे कंडीशन में पीछे से आया है ऐसी चीज आपको मिल जाएगा। पेटी सील पैक पेटी आगे खुलवाओ आराम से लेके जाओ कि भाई ये इस पेटी जिस बाहर मॉडल आप ये बहुत बढ़िया फोन होते हैं, आपको माल दिखा दें कैसे निकल रहा जी, ये देख सकते हैं माइक्रोमैक्स का इन वन, माइक्रोमैक्स इन वन माइक इन वन बी, ये निकला है 2550 रुपए का फोन। कंडीशन देख लेते हैं भाई इसकी, 2550 रुपए का ये फोन निकला है और काफी सही कंडीशन में है। आईफोन भी है, आईफोन दिखाएंगे आपको इसके। ये लो जी ओरिजिनल डिस्प्ले ओके डिस्प्ले के साथ माइक्रोमैक्स का 1B 2550 रुपए का आईफोन 6S 3450, आईफोन 6S 3450 रुपए में ये फोन मिल रहा है, देख सकते हैं आप। डिस्प्ले ब्रोकन है, ग्लास होने का काम है इसमें। अच्छा और ग्लास ब्रोकन है, डिस्प्ले ब्रोकन है, देखते हैं क्या है कहानी। ग्लास बैटरी लो है, डिस्प्ले ओके है, ग्लास ब्रोकन है ऊपर से है? तो गाइस इस तरीके की चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, काफी सारे फोन मैंने आपको दिखा दिए हैं, इधर कुछ और फोन भी रखे हुए हैं। अगर आपको सारे मॉडल स्कैन करके दिखाएंगे क्या है कैसा, सारे मॉडल करेंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी भाई, मैं ये कहूंगा कि हर उसमें से एक आध मॉडल। चलो आईफोन दिखा दे, आईफोन 12 किसमें है, आईफोन 12 P3 में आया है आईफोन 12 23,050 रुपए का P3 कंडीशन, P3 में आया है, ऑल ओके कंडीशन है, बैटरी देख लेते हैं एक बार, सिर्फ 23,050 रुपए का आईफोन 12 स्टॉक आप देख ही रहे हो दोस्तों। ओरिजिनल डिस्प्ले बिल्कुल मिंट कंडीशन का आईफोन 12। अच्छा ये हल्का सा डेंट है जिसकी वजह से शायद P3 में आया है ये, ठीक है बाकी ये P2 या P1 में भी आ सकता था, ये देख सकते हो। इंडियन वेरिएंट है हाँ। तो आईफोन 12
ये निकला है, ये आया 23,050 रुपए का, कितने जीबी का होगा कुछ चेक कर सकते हैं? जीबी रैम का कोई रेट नहीं है, जो भी निकले आपकी रहेगी और आगे बढ़ाने में से टाइम लग जाएगा ना। ठीक है आगे इसको देख लेते हैं। ये P4 में 3,100 रुपए का, P4 में 3,100 रुपए का, एक बार और क्या बात है, A30 Samsung A30s 3,100 रुपए में ये मिल रहा है फोन। इसकी भी टच एकदम ओके, ग्लास अंदर से टच एकदम ओके, वो डिस्प्ले एकदम ओके, ठीक है हल्का फुल्का ये, वो तो P4 में थोड़ा बहुत रफ कंडीशन आ जाता है, वो हल्का सा वैसा है ना में है, बट ये ग्लास हल्का सा कि डिस्प्ले एकदम ओके है, ग्लास हल्का सा क्रैक लग रहा है ग्लास में थोड़ा माइनर सा, बाकी जो चीजें मैं देखा हूँ रेट बहुत सही और सारे P4 की कंडीशन के फोन। मोटोरोला G32 मोटो G32 ये स्कैन करके देखना भाई एक बार, ये आया है P2 में आया है 5250 5,250 रुपए का, नहीं ₹5,250 में ये आया है फोन। और एक बार डिस्प्ले भी देख लेते हैं, ये तो बहुत अच्छा निकल रहा है, कंडीशन देखिए G32 मोटोरोला का। तो इस तरीके की चीजें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं एक्सप्लोरिंग डिवाइस। आपने बहुत सारे फोन, मतलब वैसे हमने आपको बहुत सारे फोन स्कैन करके दिखा दिए, मैंने कंडीशन भी देखी जी, कम से कम 14-15 फोन मैंने आपको दिखा दिए, कंडीशन भी आपको दिखा दी, एक भी फोन डेड नहीं निकला है और आपके सामने सील पैक पेटी खोली है। तो इस तरीके की चीजें अवेलेबल होती है और ऐसी नई नई जगह साहिल भाई मैं खुद ढूंढता रहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि भाई कोई ऐसा जेन्युइन डीलर मिल जाए जो जिसकी लिस्ट से छेड़छाड़ ना हो, पेटी की सील से कोई छेड़छाड़ ना हो, 5 पीस भी दे दे मेरे व्यूअर्स को और भाई ऐसा P4 वाला सस्ता स्टॉक भी ओके में दे दे। आपने देख लिया कैसा निकला जी, ऐसा बहुत तो बढ़िया ग्लास ओसी का ही काम निकला, वो भी 2-3 फोनों में जी। तो स्टॉक इससे ही आप अंदाजा लगा लो कि जेन्युइन ग्रेडिंग है, तभी ग्लास ओसी का काम निकला 2-3 फोनों में, सबकी डिस्प्ले ओके निकली है मान लो, बहुत बढ़िया और मैक्सिमम ओरिजिनल डिस्प्ले स्टॉक निकल रहा है इस टाइम देख रहे हो आप वैसे जी। तो साहिल भाई अब हमने वीडियो देख ली, आपकी क्वालिटी पता चल गई, रेट्स पता चल गए, आपने बताया जेन्युइन रेट हमेशा। तो जैसे अगर कोई सपोज किसी को फोन लेना है, फोन लेने हैं मतलब 5 पीस तो मिनिमम है, हम सिंगल पीस नहीं देते, होलसेलरों के लिए वीडियो रहने वाली है, सिंगल पीस वाले फोन ना करें जी। और भाई सिंगल पीस वाले फोन ना करें, जो भाई 5, 10, 15 पीस, 20 पीस जो आगे इनसे लेके बेचना चाहते हैं वो ही कॉल करें। अगर वो कॉल करते हैं तो अगर सपोज कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई कोलकाता से, कुरियर फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप कुरियर भी लगवा सकते हो। अच्छा मैं तो ये कहता हूँ वैसे हमेशा पहली बार जब भी कोई स्टॉक ले तो पहले आकर देखे समझे उसके बाद, तो अगर आना हो तो कैसे आपको कॉल करें, किस दिन आ सकते हैं थोड़ा सा बताएं, रास्ता बताएं। ऑफ रहता है हमारा जी, बाकी आप हर दिन आ सकते हो और हमारी ऑफिस टाइमिंग रहेगी 10 बजे से 7 बजे तक 10 से 7 तक 10 बजे से 7 बजे तक हमारी ऑफिस टाइमिंग रहेगी। अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो रहे हो ना तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपके लिए रुकूंगा। आपको मतलब जैसे 8 बज जाए 7:30 बज जाए आप मुझे कॉल करके बताओ कि सर मैं थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आप स्टॉक लेने आ रहा हूँ, मेरे को स्टॉक चाहिए आपसे, तो मैं आपके लिए वेट भी करूंगा। बाकी हमारा एड्रेस वगैरह ये सारा बोर्ड पे मेंशन है, पूरा जेन्युइन है, जीएसटी नंबर इनका पहले मतलब पहले ही दिया हुआ है, जीएसटी नंबर फॉर्म के नाम से ही बिल मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस रहने वाला है 17A/94 फ्लोर WEA करोल बाग न्यू दिल्ली 11005। तो करोल बाग मेट्रो स्टेशन, हाँ कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा ही, करोल बाग मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट का मैक्सिमम वॉकिंग है। जिस भी कस्टमर को नया काम स्टार्ट करना है तो वो इस टाइम कर सकता है, क्योंकि स्टॉक तो आपने देखा ही है कैसा निकल रहा है, पहले से काफी ज्यादा अच्छा स्टॉक हो रहा है निकल रहा है जी। और फिर आपको यहाँ पे बहुत अच्छी डील भी मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो जैसे स्टॉक लेंगे आप उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी हो जाएंगे। अगर किसी से अगर आपको लॉस भी हो रखा है ना तो आप हम पे आओ, हम उनका भी लॉस आपको कवर करवा के देंगे। चलो जी बहुत बढ़िया, कैसा निकल रहा है ना आप खुद देखिए, स्टॉक तो बहुत अच्छा है, आपने वीडियो में हमने आपको स्टॉक दिखाया है, ये कैसा है। जी 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 ठीक है साहिल भाई, थैंक यू सो मच आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी दोस्तों जिन लोगों को रास्ते का समझ नहीं आया, करोल बाग मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल सीधा रास्ता है, वीडियो के लास्ट में देख लेना समझ आ जाएगा आपको कि भाई कहां पर कैसे है। बाकी फिर भी आप अगर चाहें तो लोकेशन इनसे ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, आने से पहले एक बार इनको व्हाट्सएप कर दे तो लोकेशन सेंड कर देंगे आपको। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग चीप इन्वेस्ट।